पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हाय दीप। हाँ जागृति। दीप, आपका फोन ठीक हो गया? और वो जो प्राइवेट नंबर से आपको मैसेज आया था ना, वो कोई मनीका थापर नाम है। ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ओह, तो अब आपको पता चल गया ना कि कोई लेडी है जो आपसे बात करना चाहती है। ओके, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। पर थैंक्स यार, तूने मेरा फोन ठीक करवा दिया। मेरा फोन अपने पास ही रखना, मैं आके चेक करती हूँ। ओके दी, बाय। क्या यार, क्या सोचा था कि अब जाके अरांश की लव स्टोरी का दी एंड हैप्पी वाला होगा, लेकिन यार उनकी मुसीबतों का तो कोई एंड ही नहीं है। एग्जैक्टली, राधी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट जाके रियांश को ये इन्फॉर्म भी तो नहीं कर सकती ना कि राधी को उसके बारे में क्या लगता है। यार मुझे ना इस टाइम पे सच में रियांश के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। उसने यार दिल से मोहब्बत की है। हाँ यार, मोहब्बत तो उसने दीवानगी की हद तक की है। आई होप ये जो मनीका थापर जो कोई भी है, ये इन दोनों की कहानी में कोई तूफान ना लाए। कादंबरी ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, तो ये डेंटिस्ट का झूठ कैसे है? प्राइवेट नंबर, ये कौन फोन कर रहा है? कौन हो सकता है? हेलो हेलो मिस्टर लांबा, कैसे दिन आ गए हैं आपके? अपने खुद के बेटे से बात करने के लिए आपको ऑफिस आना पड़ रहा है, उसका वेट करना पड़ रहा है। कौन हो तुम? तुम जो भी हो सामने आओ। तुम्हारे अपने ही सामने नहीं आ रहे, पहले बीवी तुम्हें वेट करवा रही थी, अब बेटा। तुम्हारी किस्मत तो गली के कुत्ते जैसी है। How dare you? तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? Just wait and watch. मैं तुम्हारी कंप्लेंट करवाऊंगा। अरे कंट्रोल मिस्टर लांबा, कंट्रोल। मैंने आपको कुत्ता क्यों कहा, उसका एक रीजन है। आपके बेटे का एक अनवांटेड सीजन है, दूसरों के मैटर में कुछ ज्यादा ही बार्क कर रहा है, जस्ट लाइक अ डॉग। मिस्टर लांबा, आई नो आपका बेटा एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, बड़ी बड़ी स्टोरीज कवर करता है, बड़े बड़े केस सॉल्व करता है, और आजकल वो ड्रग स्कैम के एक केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। उससे कह दीजिए अपने सारे इंटरेस्ट खत्म कर दे, इस केस को छोड़ दे, विथड्रॉ कर ले। Who the hell are you? हाँ? कौन हो तुम? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? आई नो मिस्टर लांबा, आप मेरी इस धमकी को बहुत हल्के मिलेंगे। नेवर माइंड, लीजिए। फिर क्या होगा, आपका बेटा और आपकी बीवी की जिंदगी का खेल खत्म, उनकी लाइफ का दी एंड। मेरी बीवी और मेरे बेटे को इन सब से अलग रखो, उनका नाम मत लो। फिर कह दो अपने बेटे से मिस्टर विवेक लांबा कि इस केस से पीछे हट जाए, वरना रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तुम जो भी हो एक बात सुन लो, मेरा बेटा जो करना चाहता है वो करके रहेगा, वो कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटता। बहुत पता है बेटे के बारे में, तो बीवी के बारे में भी पता है कि नहीं, कि आज वो किससे मिलने जा रही है, वो भी आपसे झूठ बोल के कि वो डेंटिस्ट के पास जा रही है। सो बैड, वेरी सैड। मिस्टर विवेक लांबा, आप तो अकेले हो गए, आगे और अकेले हो जाएंगे। तुम्हें ये सब कैसे पता है? तुम कौन हो? अकेलेपन की बात से इतने डर गए? नो, अभी से अकेलापन फील मत कीजिए, ये तो शुरुआत है। एक बार आपकी बीवी और बेटे का दी एंड हो गया, असली अकेलापन तो तब शुरू होगा। यू? और ये जो अकेलापन होता है ना, ये इंसान को ना जीने देता है ना मरने देता है। यू तुम हो कौन? हेलो हेलो, आपका बेटा और आपकी बीवी की जिंदगी का खेल खत्म, उनकी लाइफ का दी एंड। डैड, क्या हुआ डैड? रियांश, तू ये एक मिनट,
डैड तो अपसेट भी लग रहे हैं। क्या हुआ डैड? रियांश, तू ये ड्रग स्कैम केस की स्टोरी कवर कर रहा है ना? ऑफकोर्स डैड, आप अचानक क्यों पूछ रहे? पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। बस तू ये केस छोड़ दे, जस्ट ड्रॉप इट। केस छोड़ दो? डैड ये आप बोल रहे हो क्यों? डैड आप अच्छी तरीके से जानते हो हम हमेशा सच का पर्दाफाश करते हैं, सच को सामने भी लेकर आते हैं। और डैड आप जानते हो एक बार मैंने किसी स्टोरी में हाथ डाल देना मैं पीछे नहीं हटता हूँ। पुत्र मैं चाहता हूँ कि ये केस ड्रॉप कर दे, तू ये प्रेस मत कर ले, जस्ट ड्रॉप इट प्लीज। डैड मैंने इस केस में अपने बेस्ट जर्नलिस्ट को लगा दिया, आप टेंशन मत लो। अरे तू समझता क्यों रही? प्लीज जस्ट ड्रॉप इट। बात सुन मेरी, मना मत कर, तू बोल बोल, तू ये केस छोड़ेगा ना? प्लीज डैड हो क्या गया है? जिंदगी में पहली बार आप मुझे किसी स्टोरी करने से मना कर रहे हो। क्या हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो? और आजकल सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा ही रहे, नजरें चुरा रहे, मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा। हवाओं का रुख अचानक से बदल सके डैड। देखिए डैड, आप मुझसे कुछ छुपाइए मत, मुझे बताइए, ठीक है? आइए इधर बैठिए, इधर बैठिए। बताइए हुआ क्या है, आप मुझे रोक क्यों रहे? बेटा एक्चुअली मुझे कुछ देर पहले एक प्राइवेट नंबर से फोन आया था, थ्रेट मिली है, धमकी। एक औरत थी, उसने ओपनली कहा है कि अपने बेटे से कहो ये स्टोरी ना कहे, इस केस में ना पड़े वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। तो डैड आप घबरा गए? आप जानते हो इन जर्नलिज्म जो भी सच के पीछे भागता है क्रिमिनल्स उसके पीछे भागते हैं। डैड ये सब नॉर्मल, ये सब होता है, आपको पता है ये सब रूल? या हाँ ओके ओके या थैंक यू। नाउ व्हाट, अब हम जिंदगी भर तुम्हारे इस बॉस की गुलामी करेंगे? इसे गुलामी नहीं, समझदारी कहते हैं। ये जो बॉस है ना, इसने लिटरली हमारी हेल्प की है, और तब जब हम इतनी गरीबी की हालत में गुजर रहे थे। अरे तुम्हारे पास तो पैसे थे नहीं, जो कुछ पैसा आया है इस मेडिसिन की वजह से आया है। एट लास्ट हमारे पास अब इतना पैसा है कि हम इस घर से निकलकर हमारा अपना घर ले सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को या नहीं? तुम्हें तो यहाँ ही आराधना सहानी के घर में पड़े रहना है, राइट? डोंट यू थिंक नीता यू आर फ्लाइंग टू हाई? ये जो तुम्हारा बॉस है ना, वो आज तुम्हारा दोस्त है, कल अगर वो तुम्हारा दुश्मन बन गया ना, ही विल कट योर विंग्स। अरे मेरा बॉस अपना दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है रियांश। वो तो इस केस में ऐसे खोद खोद के अंदर जा रहा है ना, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। इनफैक्ट उसकी एक जर्नलिस्ट की टीम है जो ये सब छानबीन कर रही है। दिस इज बैड न्यूज नीता, रियांश बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, अगर वो इस न्यूज के पीछे पड़ गया ना तो पर्दाफाश करके ही रहेगा। जब भी बोलो अब शकुन ही बोलो, शुभ शुभ बोलना तो आपने कभी सीखा ही नहीं है ना? रियांश अब हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये पहले मैं चाहती थी कि रियांश और आराधना एक हो जाए, लेकिन अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आराधना उसका दिल तोड़ दे। मैं चाहती हूँ कि आराधना उसका दिल ऐसा तोड़े कि उसका दिल चूर चूर हो जाए, बर्बाद हो जाए। वो जो तबाही उसने हमारी जिंदगी में लाई है ना, वही तबाही उसकी जिंदगी में आए। For once, Neeta, we are on the same page. Riyansh has really messed up our lives. लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि वो अगर किसी न्यूज के पीछे पड़ गया ना तो सच्चाई सामने लाकर ही रहेगा। लेकिन बॉस ने कहा है कि वो सब कुछ संभालने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हो पाया ना, क्या करोगी तुम? वही करूंगी जो मैंने भक्ति जी के साथ किया, रियांश पिक्चर से आउट। आपको याद है जब मैं वो गैंगस्टर वाली स्टोरी कर रहा था, सब मेरे पीछे पड़ गए थे, कुछ हुआ मुझको नहीं है ना, फिट एंड फाट। यार प्लीज ज्यादा स्ट्रेस मत लो यार, कम ऑन। नहीं रियांश मान जा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब तुझे खोने से डर लगता है, स्पेशली तुझे। प्लीज ये केस छोड़ दे, मैं लाइफ में पहली बार बोल रहा हूँ ये केस छोड़ दे। देख समझ मुझे, मैं ही तुझे कहता था ना, जा बेटा सच्ची खबरें ला, दुनिया को सच दिखा, ट्रू स्टोरी कर। क्या हो गया आपको? मैंने हमेशा इन सब के लिए बहुत इनकरेज किया है, पर इस बार जो मुझे धमकी मिली ना, उसमें बहुत वजन है, बहुत डर लग रहा है।
ऐसे लग रहा है कि जो भी उसने कहा वो करके दिखा देगी। और एक बात और, उसको हमारे घर के बारे में सब कुछ पता है। तू इस वक्त कहाँ है, तेरी मॉम कहाँ है, सब कुछ पता है उसे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।